तो कटोरी चाट जितनी दिखने में माउथ वाटरिंग लग रही है, खाने में तो बहुत डिलीशियस है, एकदम तो मार्केट जैसी। वेलकम टू हिनास कुक बुक्स। आज हम इस वीडियो में एकदम क्रंची और क्रिस्पी कटोरी चाट बनाएंगे, जिसे हम अपने किचन में नॉर्मली मिलने वाले इंग्रेडिएंट से बनाने वाले हैं, जो कि बाजार से भी ज्यादा डिलीशियस होगी। सो रेसिपी शुरू करने से पहले प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट्स झट से मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कटोरी चाट बनाने के लिए हम सबसे पहले एक बर्तन में 2 बाउल मैदा यानी 250 ग्राम मैदा ऐड करेंगे और फिर 2 चम्मच ऑयल डालेंगे और मिक्स करना शुरू करेंगे। हम ऑयल को अच्छे से मैदे में मिला लेंगे, इससे हमारी कटोरी बहुत क्रंची बनेगी। हम थोड़ा हाथ में होल्ड करके देख लेंगे मैदे को, अगर होल्ड होता है तो मतलब हमारा मौन बिल्कुल ठीक है, तो हमारा ऑयल मैदे में अच्छे से मिक्स हो गया है। और अब हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, और अच्छे से नमक को भी मैदे में मिला लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और एकदम स्मूथ डो बनाएंगे। हमें ध्यान रखना है कि हमारे डो में नमक तेल सब कुछ अच्छे से मिल जाना चाहिए। अगर आप चाहो तो आप इसमें अजवाइन भी डाल सकते हो टेस्ट के लिए। हमें डो बनाते समय ध्यान रखना है कि हमने डो ना ही ज़्यादा हार्ड गूंदना है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट। अब हम डो को 10 से 15 मिनट सेट होने के लिए कवर करके रख देंगे। तो 15 मिनट हो चुके हैं, हम डो देख लेते हैं। हमारा डो बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम थोड़ा सा डो लेंगे और उसका इस तरह गोल गोल घुमाकर एक पेड़ा कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, पेड़े के ऊपर हल्का सा सूखा मैदा डस्ट करेंगे दोनों तरफ और उसे बेलना शुरू करेंगे। धीरे धीरे हम इसे रोटी जैसे बेलेंगे, हमें यहाँ शेप को नहीं देखना है, जैसे मर्जी टेढ़ी रोटी बना लेंगे। बस हमें यहाँ ये ध्यान रखना है कि हमारी रोटी ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा मोटी। तो हमारी रोटी तैयार है। अब हम इसमें फोर्क से डॉट लगा देंगे, आप नाइफ से भी कट लगा सकते हो। इससे क्या होगा, हमारी कटोरी फूलेगी नहीं और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। अब हम एक मीडियम साइज़ की कटोरी लेंगे और उसको अपनी रोटी से इस तरह धीरे धीरे कवर करेंगे, ताकि कटोरी के शेप बन जाए और हमारी रोटी अच्छे से कटोरी से चिपक जाए। बस अच्छे से सेट कर लेंगे। अब जो ये एक्स्ट्रा डो है, इसे हम नाइफ से धीरे धीरे कट करेंगे कटोरी के ऊपर से ही, इससे हमें आसानी हो जाएगी कटोरी को तलने में। अब इस एक्स्ट्रा डो को हम दूसरी कटोरी बनाने में यूज़ कर लेंगे। तो हमारी कटोरी तैयार है, अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है। अब हम कटोरी को तेल में ध्यान से डालेंगे और इस पर थोड़ा थोड़ा तेल गिराते रहेंगे, ताकि कटोरी अंदर से भी फ्राई हो जाए। हम मीडियम फ्लेम पे ही इसको फ्राई करेंगे, तभी हमारी कटोरी अच्छे से पकेगी और क्रिस्पी बनेगी। अब हम किसी चीज़ से पकड़कर धीरे से कटोरी को निकाल लेंगे। हमें तभी कटोरी को निकालना है जब हमें लगे कि कटोरी ने मैदे की कटोरी को छोड़ दिया है, वरना हमारी मैदे की कटोरी टूट जाएगी। तो तलते समय हमने बहुत ध्यान से काम करना है, सभी तरफ से कटोरी को फ्राई करेंगे ताकि कच्चापन बिल्कुल ना रहे। तो ये देखिए, हमारी कटोरी बन गई है, फ्राई हो चुकी है अच्छे से। तो चलिए हम इसे निकाल लेते हैं। हमारी एक कटोरी बनकर तैयार है। मैंने ऐसे ही स्मॉल साइज़ की कटोरी बना ली थी, तो अब हम इसे भी फ्राई कर लेते हैं। मैं एक बड़ी और 3 छोटी कटोरी बनाऊंगी। आप चाहो तो सभी एक साइज़ की भी बना सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। और हाँ, मैं यहाँ आपको बता दूं कि ऑयल हमने ज़्यादा लेना है कढ़ाई में, ताकि हमारी सभी कटोरी अच्छे से डिप हो जाए, तभी हमारी कटोरी अच्छे से सभी तरफ से फ्राई होगी। तो इसे भी हम ध्यान से फॉक से कटोरी को अलग कर देंगे। बड़े आराम से निकल गई है हमारी कटोरी, तो अब हम इसे भी अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो लीजिए, हमारी दूसरी कटोरी भी एकदम से अंदर तक फ्राई हो चुकी है, तो इसे भी निकाल लेते हैं। तो अब हम कटोरी की स्टफिंग करते हैं। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे वाइट चने, बॉइल्ड पोटैटोस, हरी चटनी, इमली की चटनी, चॉप्ड अनियन, चॉप्ड टमाटर, फाइनली चॉप्ड हरी मिर्च, थोड़ा सा दही, 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स, स्वाद अनुसार काला नमक, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, थोड़ी सी सेव डालेंगे और इसके ऊपर हरी चटनी, इमली की चटनी, थोड़ी सी बूंदी, क्रश्ड पापड़ी, थोड़े से पीनट्स, 1 चम्मच चाट मसाला और लेमन जूस
डाल देंगे। आप कुछ भी स्टफिंग कर सकते हो अपने हिसाब से। तो हमारी कटोरी चाट एकदम तैयार है। तो कटोरी चाट जितनी दिखने में माउथ वाटरिंग लग रही है, खाने में तो बहुत डिलीशियस है, एकदम मार्केट जैसी। ये है कटोरी चाट की रेसिपी, एकदम इजी और डिलीशियस। थी ना माउथ वाटरिंग? तो फटाफट लाइक एंड कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।